कोरोना वायरस के खिलाफ अजमेर नगर निगम का महाअभियान कोरोना मुक्त अजमेर की शुरुआत आज नगर निगम के महापौर धर्मेंद्र गहलोत द्वारा ट्रांबे स्टेशन पर की गई। यहां पर सभी सफाई कर्मचारियों और नगर निगम कर्मचारियों को स्प्रे और दवाई छिड़कने का प्रशिक्षण दिया गया। महापौर धर्मेंद्र गहलोत ने बताया कि कोरोना वायरस जिस तरह पूरे देश में लगातार बढ़ रहा है, उससे बचाव के लिए अब पूरे शहर में फॉगिंग की शुरुआत आज से की गई। नगर निगम ने 60 स्प्रे मैन और 3 फॉगिंग मशीनों द्वारा शहर में कार्य शुरू कर दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान नगर निगम के उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता, स्वास्थ्य अधिकारी रूपा राम चौधरी सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। जिस प्रकार से विश्व एक संक्रमण रोग से जूझ रहा है, अजमेर उससे मुक्त रहे, इसकी तैयारियां नगर निगम अजमेर ने अपने स्तर पर की है। बीमारी ही ना हो, इसके पहले ही बचाव ही उपचार है, इसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने जो दवा निर्देशित की है, उस निर्देशन के अनुसार पे दवा यहाँ पे खरीदी गई है नगर निगम के द्वारा। और वार्ड में 60 वार्ड है अजमेर शहर के अंदर, 60 के 60 वार्ड में हमने दो दो तीन तीन कर्मचारी लगाए हैं ताकि उनके पीठ पर ये पिट्ठू बंधा रहेगा और उसके अंदर जो दवाई रहेगी वो वार्ड की प्रत्येक वार्ड की गली में, मोहल्ले में, सार्वजनिक स्थान पर वहाँ पर इस प्रकार का ये छिड़काव करेंगे ताकि किसी प्रकार से वो रोग उत्पन्न ना हो सके। हमारे कर्मचारियों का भी इस बात के लिए ध्यान रखने के लिए कि दवा का उन पर कोई असर ना हो, तो उनको ग्लव्स भी हमने दिए हैं और मास्क भी इस प्रकार से उनको वितरित किए हैं। तो इस प्रकार से 60 की टोली और 60 के इंटू 3 मतलब 180 कर्मचारियों की हमने टीम तो इस बात की बनाई है कि वो 60 वार्डों के अंदर जाके काम करें। फिर हमने 2 जो सीवर जेट्स होती हैं उस सीवर जेट को किया है ताकि वो कचरा डिपो है, सरकारी जगह है, सरकारी कार्यालय है, सरकारी स्कूल है, कोई भी सार्वजनिक स्कूल है, सार्वजनिक स्थान है, किसी के लिए अगर कोई कहता हो तो वहाँ भी हम इस प्रकार से इसको छिड़काव को करेंगे। इसी प्रकार से 2 फॉगिंग मशीन हमने और लिए जो रात के समय में इस बात को छिड़काव करेगी, 1 फॉगिंग मशीन उत्तर में और 1 फॉगिंग मशीन दक्षिण में इस बात का छिड़काव करेगी। 1 हमने छोटी मशीन और ली है, वो छोटी मशीन हमने इस बात के लिए है कि जहाँ ये बड़ी मशीनें नहीं जा सकती और सार्वजनिक स्थान गलियाँ हैं, जो अंदरूनी हमारा शहर है परकोटे का अंदरूनी क्षेत्र है, इसके अंदर वो जाके मशीन छिड़काव करेगी। हमारा ये मानना है कि बीमार होगा तो उपचार के लिए जाएगा, किंतु नगर निगम इस बात के लिए प्रयासरत है कि अजमेर शहर कोरोना मुक्त रहे, अन्य संक्रमण बीमारी से भी मुक्त रहे, इस बात के लिए यहाँ पे प्रयास किए गए। निगम की सेना जिस तरीके से लाभमंद होके और हम की यहाँ पर जो है, देखो अभी तो कोरोना तो है ही है और फिर भी किसी भी प्रकार से कोई बीमारी, स्वाइन फ्लू है, कोरोना है, जो दवाई सरकार के द्वारा सजेस्ट की गई है उस दवाई को हम उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं ताकि वो रोग से मुक्त पा सके और किसी भी प्रकार से रोग उत्पन्न ही ना हो। आम जन यदि कोई चाहे कि उसके इलाके में नहीं हो पा रहा, तो ऐसी स्थिति में कोई कंट्रोल रूम या कोई ऐसे कोई नंबर डिसाइड किए गए जो सीधे संपर्क किए जा? बिल्कुल, देखो हमारा एचओ का तो ही है, नगर निगम का ऑफिस ही है, मगर जो हमने इस स्तर पर जो अपने कार्रवाई कर रहे हैं वो हम वार्ड स्तर पर कर रहे हैं। तो हमारे हर वार्ड के अंदर एक जमादार नियुक्त है सरकारी, वहाँ का जन अच्छी तरह जानता है कि यहाँ का जमादार कौन है, वो जन ये भी जानता है कि सुबह हाजिरी कहाँ से छूटती है, इसलिए उससे संपर्क कर सकता है, सैनिटरी इंस्पेक्टर से संपर्क कर सकता है, हमारे एचओ से संपर्क कर सकता है, हमारे कमिश्नर से संपर्क कर सकता है, डिप्टी कमिश्नर से कर सकता है, मेयर से कर सकता है। तो किसी भी प्रकार से, वैसे तो हमने जो योजना बनाई है इसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत आएगी नहीं, अव्वल फिर कोई भी आएगी तो निश्चित रूप से इसके भी समाधान किया जाएगा। देखो बिल्कुल ये है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, ये केवल नगर निगम का या सरकार का या प्रशासनिक अमले का काम नहीं है कि इस बीमारी से लड़े। इसमें सहयोग करने के लिए मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से घर की गंदगी को बाहर सार्वजनिक स्थानों पर ना फेंके। हमारा जो डोर टू डोर वाला टेम्पो आता है वो डोर टू डोर के टेम्पो में ही फेंके। आपकी एक छोटी सी मदद इस अजमेर शहर को संक्रमण से मुक्त कर सकती है, इन बीमारियों से मुक्त कर सकती है। तो मैं जनता से भी अपील करूंगा कि हमारा जो डोर टू डोर का टेम्पो आता है इसमें ही कचरा फेंकें और यदि कोई है तो फिर निर्धारित स्थान पे ही वो कचरा फेंकें, अन्यत्र कहीं न फेंकें। कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी से बचाव की कवायद के लिए दरगाह आने वाले जायरीनों की जाँच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने दरगाह में 2 टीमें लगाई हैं जो हर जायरीन से मौखिक तौर पर खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार की जानकारी ले रही है। दरगाह में हर समय हजारों जायरीनों की भीड़ रहती है, ऐसे में प्रशासन किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए सभी जायरीनों की जांच की जा रही है। ये सीएमएच की तरफ से यहाँ पे दरगाह में टीमें लगाई हुई है मौसमी बीमारियों और इन्फ्लुएंजा लाइक जो सिम्टम्स होते हैं जिन बीमारियों में, और कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है उनको फाइंड आउट करने के लिए सीएमएचओ की तरफ से एक टीम लगाई गई है, और उसके तहत हम लोग यहाँ पे जो जायरीन आ रहे हैं
उनमें जो फॉरेन रिटर्न है उनको फाइंड आउट करने की का प्रयास कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोग उनको चिन्हित करके जो भी हमको ऐसा ससेप्टेबल पेशेंट लगता है हम उसको चिन्हित करके आगे रेफर कर रहे हैं। कितनी टीम आपके यहाँ लगाई गई, कितने लोग हैं? दो टीमें लगाई गई हैं अभी, और आगे भी हमने बोल रखा है आगे स्टाफ देने के लिए, उसका भी एक दो दिन में। किस चीज़ से आप इनकी जांच कर रहे हैं, कोई साधन वगैरह है आपको? हमारे पास जो नॉर्मली जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बीपी एटलेटस वगैरह सर्दी खांसी जुकाम को चेक करने के लिए, उनसे हम लोग जाँच कर रहे हैं। और देखने में आया कि बाहर टेम्परेचर नापने के लिए कई मशीनें कई साधन है, आपके पास क्या चीज सीएमएचओ की तरफ की से आई हुई है? इसके लिए आप सीएमएचओ साहब से एक बार बात कर लें तो वो इसका मुनासिब जवाब दे पाएंगे। किस तरीके से दरगाह में जांच रही है बताइए सीएमएचओ साहब? जो हमारे पास जो स्टेथोस्कोप है और जो बीपी पैड क्या चीजें दिखाइए मुझे, क्या वो है आपके पास? अभी हमने तकरीबन 63 पेशेंट देख लिए और शाम तक हमारी टीम रहेगी यहाँ पे, और जैसे भी कोई आते हैं कोई फॉरेन रिटर्न पर्टिकुलरली ईरान से या इराक से या कतर वगैरह गल्फ कंट्रीज से कोई आता है या कोई चाइना साइड से कोई ऐसा कोई पेशेंट आता है तो हम उसको फाइंड आउट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। क्या दिशा निर्देश दिए गए सीएमएचओ की तरफ से? आज हमारे जो भी यहाँ दरगाह के जितने भी गेट हैं प्रवेश द्वार हैं वहाँ के ऊपर हमारे जो एएनएम स्टाफ है आशा सहयोगनी है उनकी हमने टीमें लगा रखी है, जो भी जो टीम जो भी जायरीन आ रहे हैं तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको उनके उनसे पूछताछ कर रही हैं। अगर किसी को भी खांसी जुकाम बुखार वगैरह इस तरह की कोई समस्या है तो पास में हमारे डिस्पेंसरी है वहाँ पे हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं तो वो उनके पास भेज रही हैं और वहाँ वो उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और कितने डॉक्टर और कितने आशा सहयोगी दरगाह में लगाए हुए हैं? अभी हमारे पास 4 तो एएनएम है और 4 आशा सहयोगी हैं, तो इस तरह के हमने 8 है जो कि 4 गेट के ऊपर वो खड़ी हुई हैं और वहाँ से सबको देख रही हैं पूछ रही हैं, और अगर उनमें से कोई इस तरह का है कोई चीज़ देखने की है चेक करने की है या खाली मुंह से बोल के वो कर रहे हैं? नहीं नहीं वो देखने में तो ये आया मेरे पास वीडियो मैंने बनाई जिसमें हाँ हाँ से बोल के हाथों से टच करके लोगों को क्या आपको खांसी जुकाम बुखार तो नहीं है कुछ बताइए। हाँ नहीं वो उनको पूछताछ ही कर रही हैं उनसे पूछ रही हैं कि अगर किसी को इस तरह की अगर समस्या है तो पास में डिस्पेंसरी में डॉक्टर बैठे हुए हैं तो उनके पास ले जा रही हैं और वहाँ पे डॉक्टर उनका फिर स्क्रीनिंग कर रहे हैं चेक कर रहे हैं उनको। स्क्रीनिंग कैसे कर रहे हैं सर बताइए, कौन सी चीज़ है उनके पास स्क्रीनिंग करने की? स्क्रीनिंग के लिए बस वो टेम्परेचर देख रहे हैं, उनका टेम्परेचर है और खांसी जुकाम है बस उसी के लिए वो देख रहे हैं। टेम्परेचर नापने को? हाँ आपके पास देखा नहीं है? नहीं डिस्पेंसरी पर थर्मामीटर है, अगर थर्मामीटर से आप टेम्परेचर नाप रहे हो अभी जो भी अंदर कम से कम अभी 15 पेशेंट जो उनको खांसी जुकाम था उनका 15 लोगों का देखा गया था अभी तक कोई भी एक भी मरीज आपके संपर्क में आया क्या कोरोना का? नहीं नहीं कोरोना का केस संदिग्ध अभी कोई भी नहीं आया, अभी सिंपल जो ये खांसी जुकाम बुखार उसी के मरीज हैं और उनकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं थी कि जिससे वो विदेश में गए हों या उनके परिवार से कोई विदेश जाकर आया हो या वो कोई कोरोना केस के संपर्क में आया हो, ऐसा किसी को कोई संदिग्ध मिला नहीं हमें। अगर इस तरह का आपको क्या लगता है क्या कमी है आपके पास अभी, क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे के तुरंत प्रभाव से पता चले? नहीं इसके लिए तो तुरंत प्रभाव से तो एक तो थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उसके लिए एक वो थर्मल स्क्रीनिंग के लिए वो चाहिए होता है तो वो अभी हमने मार्केट में पता किया तो अभी मिल नहीं रहा है और उसके हम प्रयास कर रहे हैं पूरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सारी दुनिया में कोरोना वायरस बीमारी फैल रही है इसको लेकर तमाम दुनिया में हलचल है हंगामा है, ख़ासकर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, क्योंकि हम इसकी रोकने की तैयारी में या इस काबिल नहीं हैं कि इसको रोक सकें, फिर भी हमारे देश में जो हमारे प्रधानमंत्री ने या लोगों ने कहा है कि इसके रोकने के इंतज़ाम किए जाएँ वो जो स्टेट गवर्नमेंट सरकारें हैं या कलेक्टर्स वगैरह हैं वो पूरे कर नहीं पा रहे हैं। हमारे अजमेर शरीफ में
एक अफवाह उड़ी कि दरगाह शरीफ बंद कर देगी, बंद कर दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। दरगाह में ज़ायरीन आएँ, अपनी दुआ फातह पढ़ें, नजराने पेश करें और अपने आपस में दूरी बना करके रखें और अपना काम करके वापस चले जाएं। क्या कमी पेशी दिख रही है आपको? और ख़ास कर कमी ये है कि यहाँ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है जो दरगाह कमेटी के अंदर में आती है, और यहाँ 8-10 गेट हैं, गेटों के ऊपर भी जो है कोई कर्मचारी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई अंदर कोर्ट से ला करके डॉक्टर खड़े किए गए हैं, वो जो जिसको कहते हैं सेवाधारी, वो लोग बेचारे क्या देखेंगे वहाँ पर, जबकि वो वहाँ पर खुद अंदर कोर्ट में इतनी बड़ी आबादी है, वो यहाँ क्या संभाल पाएंगे। हम सरकार से कहते हैं कि एक तो जो है मास्क फ्री बांटे जाएं, 10-15 रुपए की चीज़ है, उसकी ब्लैकमेलिंग ही नहीं होगी, सरकार लाखों रुपए फ्री ट्रेन में और फ्री बस में कर देती है, तो ये इस वक्त है जो फ्री बांटे तो इसकी कालाबाजारी ना होगी। और ख़ासकर अजमेर के अंदर उर्स गरीब नवाज ख़त्म हुआ है, उसके बाद में कोई यहाँ पर पंपिंग नहीं हुई, कोई दवाई का छिड़काव नहीं हुआ और सब कागजी कार्रवाई हो रही है। कलेक्टर साहब बैठे हुए वहाँ पर ऑफिस में कह रहे हैं कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, जबकि यहाँ कुछ नहीं हुआ है। अब ये बताइए, यहाँ डॉक्टरों के पास स्कैनिंग मशीन या कोई मशीन या कोई साधन दिख रहा है जिससे कि कोरोना वायरस की जाँच? पहली बात तो कोई डॉक्टर है नहीं, जो 2-4 लगाए हैं डॉक्टर हैं या नहीं, पर उनके पास में स्कैनिंग मशीन या किसी कर्मचारी के पास में और ख़ुद के पास है मास्क नहीं है, तो वो क्या दूसरों की देखभाल करेंगे। हम चाहते हैं सरकार बातें ना करें बल्कि काम करे, लोगों की मदद करे और साफ़ सफाई मेंटेनेंस का ख्याल रखे और लोगों को हिदायत दे। नाम बताइए। मैं गद्दी नशीन गरीब नवाज पीर सैयद फ़खर कादमी चिश्ती, गद्दी नशीन होने की हैसियत से आवाम से करता हूँ कि अपनी सफाई का ध्यान रखें, अपने हाथ बार बार धोएं और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और जहाँ तक हो फालतू जगहों पर ना जाएँ और मुँह पर मास्क बांधें। मैं इसके लिए लोगों से अपील करता हूं कि हमारे को इसका बचाव ही सबसे बड़ी बीमारी का बचाव ही बहुत जरूरी है। जिला प्रशासन द्वारा दरगाह स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा भी बंद कर दिया गया। वहां पर रोजाना हजारों जायरीन आते हैं जिससे काफी भीड़ होती है। ऐसे में कोरोना वायरस का कोई संदिग्ध वहां आता है तो संक्रमण फैलने का खतरा है। मैं गुजरात से भरूच जिले से आया हूँ। यहाँ का माहौल देखने जाए तो अभी कोरोना वायरस का बहुत ही आतंक मचा हुआ है और देख ही सकते हैं कोरोना वायरस की वजह से 2.5 दिन का झोपड़ा भी बंद पड़ा है। अब ये वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, धीरे धीरे करके हमारे हिंदुस्तान में भी आ चुका है। तकरीबन हमारे हिंदुस्तान में भी 200-300 केस तो हो ही चुके हैं। फिर भी मैं दुआ करता हूँ गरीब नवाज के दर पर कि जल्द से जल्द इस वायरस को ख़त्म कर दे। मेरी यही दुआ है गरीब नवाज के सदके तुफेल में जो जो ये बीमारी से परेशान है उनकी परेशानियों को दूर कर दे और जल्द से जल्द उन्हें शिफा दे दे। इसी तरह कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जिला न्यायालय परिसर में चिकित्सा विभाग और जिला बार एसोसिएशन की ओर से सभी अधिवक्ताओं के बैठने के स्थान कैंटीन न्यायालय परिसर में दवाइयों का छिड़काव किया गया और सैनिटाइजर से सभी के हाथ धुलाए गए। सर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना वायरस ने एक महामारी का रूप ले लिया है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको एक महामारी का रूप दिया है और पूरे वर्ल्ड में 126 राष्ट्रों के अंदर कोरोना वायरस फैल चुका है और भारत में भी तेज़ी से फैल रहा है। उसी को लेके एहतियात के तौर पे आज हमने कोर्ट परिसर के अंदर स्प्रिट का और छिड़काव किया है। उसमें हमारे एक साथी अधिवक्ता देवेंद्र सिंह का भी सहयोग रहा है और पूरी कोर्ट परिसर को हम कोरोना मुक्त करना चाहते हैं और कोरोना वायरस से हम मुक्त कर देंगे और हमारे अधिवक्ता भाइयों को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसी अभियान को लेकर आज हमने कोर्ट में एक कोरोना वायरस मुक्त के लिए एक अभियान छिड़ा है। अभी अपने अध्यक्ष न्यायालयों में भी ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अधिवक्ता और पक्षकार अगर कोर्ट में नहीं आते हैं तो उनके जो न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है उनके खिलाफ किसी तरह की एक पक्षीय कार्रवाई नहीं की जाए, इस तरह से हाईकोर्ट के डायरेक्शन है। साथ ही CMHO और नोडल जो ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर है, उनको कहा गया है कि यहाँ पर आकर डॉक्टरों की एक विजिट की जाए और सब जगह उसकी जाँच की जाए। साथ ही क्लोरीन और जो सैनिटाइजर हैं और ये सारी चीज़ें हैं उन सब के द्वारा अधिवक्ताओं के लिए और पक्षकारों के लिए सारी व्यवस्था की जाए जिसके कारण ये कोरोना वायरस फैले नहीं। साथ ही जो बाबा रामदेव का जो एक उपाय है कि नीम की पत्ती उबालकर पानी रखा जाए, उसके लिए भी हमने ये प्रयास किया है कि नीम की पत्ती उबालकर और कई जगह पर रखवाया जाए पानी, जिससे लोग थोड़ी एक एक घंटे बाद धोते जाएँ। साथ में हमने साबुन की और इन सब की व्यवस्था की है जो चारों पाँचों कोने पर रख दी जाएगी, जिसके कारण जो भी अधिवक्ता न्यायालय में आए वो अपने हाथ धोगे हर एक घंटे और बाद और जो पक्षकार है वो भी इसका इस्तेमाल कर सके। साथ ही हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बाहर कार्यकारिणी इसमें बैठकर बैठक करें और इसमें ये तय करें कि 31 तारीख तक के सभी न्यायालयों में
सारे जो कार्य हैं उन सभी जो हैं जिस भी कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं उनकी कॉमन डेट दे दी जाए, जिससे पक्षकार भी यहाँ न्यायालय में नहीं आए और अधिवक्ता भी न्यायालय में नहीं आए, क्योंकि जिसके कारण ये कोरोना वायरस फैले नहीं, क्योंकि अधिवक्ता और उन पक्षकार सभी के परिवार हैं तो उनके जीवन की रक्षा की भी जिम्मेवारी हम सब की है इसलिए। और ये अजमेर जिला सेशन कोर्ट है इसलिए सारे आसपास के लोग, बहुत सारे संभागीय स्तर के लोग यहाँ आते हैं, तो हमारा प्रयास है कि ये फैले नहीं, और इसी कारण हमने ये जो स्प्रे करने के लिए देवेंद्र सिंह शेखावत ने उपलब्ध कराया बार एसोसिएशन को, तो वो हम सभी जगह पर स्प्रे कर ये कोरोना वायरस नहीं फैले स्प्रेड कर रहे हैं और जितने भी अधिवक्ता है वो उसमें सहयोग प्रदान। वहीं केंद्रीय बस स्टैंड पर रोडवेज के मुख्य प्रबंधक द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के लिए बताया गया। साथ ही MD ने बताया कि रोडवेज प्रशासन और आम जनता को बचाने के लिए साफ सफाई, दवाइयों का छिड़काव नियमित रूप से केंद्रीय बस स्टैंड पर किया जाए, साथ ही सभी कर्मचारियों को हाथों के ग्लव्स और मुंह पर मास्क लगाने के लिए बांटे गए। आज हमारे MD साहब ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करी थी सुबह 10 बजे, जिसमें कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में बताया था और हमको जनता को बचाने के लिए भी हमको क्या क्या करना चाहिए वो भी MD साहब ने हमको आज जो बताया, और उसके हिसाब से जितने भी हमारी बसें हैं उनमें सब में स्प्रे करवाया जाएगा। इसके अलावा बुकिंग क्लर्क्स हैं इनको मास्क वगैरह और ये जो ग्लव्स वगैरह ये दिए जाएंगे। उसके अलावा जो ये जो हमारे स्प्रे दिन में 3-3 बार स्प्रे होगा बस स्टैंड पे, बुकिंग्स पे होगा, जो ऑफिसेज हैं हमारे वहाँ पे स्प्रे होगा। और हमारा और हमारे MD साहब का उद्देश्य ये है कि रोडवेज की वजह से वायरस नहीं फैलना चाहिए, रोडवेज इस वायरस को रोके, इसके लिए हमने पूरे साहब के बताए अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और हम पूरी तरह से इस पर सफल होंगे।